नमस्कार, मैं मीनाक्षी गायन असम से। मैं आज अमूल की तरफ से लाइव आई हूँ। अमूल के तरफ से सबको हैप्पी होली। होली की रंगों की तरह सबके जीवन में रंग भर जाए और सबको सबके जीवन में खुशियाँ आए। आज मैं होली स्पेशल अमूल की प्रोडक्ट से कुछ रेसिपी बनाने वाली हूँ। दो ठंडाई एक बॉडी, और उसके लिए मैं बनाने वाली हूँ कथम्बड़ी, महाराष्ट्र की एक रेसिपी जो बेसन से बनती है। मैं बनाऊँगी बेसन के साथ अमूल पनीर यूज करके मैं वो रेसिपी बना कर दिखाती हूँ आपको। आइए देखते हैं। इसके लिए मैं एक ये बाउल लेती हूँ। यहाँ एक बाउल बेसन, ये अमूल पनीर। पनीर को मैंने ग्रेट की रखी हूँ। ये इस पर डाल दी अमूल पनीर ग्रेट की हुई। यहाँ डालती हूँ 6 टेबलस्पून दही, अमूल दही। नमक टेस्ट अनुसार, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, इसको मैं वाटर डाल के धुन लेती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ उसको। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ। गैस में एक पैन चढ़ा दी मैंने। यहाँ मैं डालती हूँ अमूल बटर। अब डालती हूँ राई, जीरा, इसको सोते करके ये हरा धनिया डाल देती हूँ यहाँ। मेथी के पत्ते, गैस की फ्लेम लो कर दी मैंने। अब इसमें जाएगा वो ये जो बैटर मैंने बनाया है, ये डालूंगी यहाँ।
और अच्छे से हिलाते रहूँगी क्योंकि बेसन जो है वो जम ना जाए। मैं स्पाइसी कुछ बना रही हूँ, अच्छे से हिला लूँगी इसको। गैस की फ्लेम लो रखकर मैंने इसको अच्छे से सते कर रही हूँ। को अच्छे मिक्स करके पैन छोड़ देने तक इसको हिलाते रहूंगी मैं। ताकि बेसन अच्छे से पक जाए। अच्छी खुशबू आ रही है इसका। लगभग हो गया। इसे पेन छोड़ रहा है इसका बैटर का।
ये लगभग हो गया मेरा। मैं इसको ठंड होने में रखती हूँ एक बाउल में। यहाँ इस बाउल में मैं बटर लगा के रखी हूँ और यहाँ मैं ये बैटर को रखूँगी। इसको सेट करती हूँ मैं यहाँ। ये ठंड होने के लिए मैं कुछ देर रखती हूँ। तब तक मैं इसमें ऑयल गरम करती हूँ वो ठंड हो। अब मैं बनाऊंगी ठंडाई। पहले बनाती हूँ हिबिस्कस ठंडाई। ठंडाई के लिए मैं मसाला रेडी करके रखी हूँ जो जिसमें है बादाम। इसमें है बादाम, काजू, सॉफ्ट, काली मिर्च, इलायची, खसखस और इसको मैं भिगो के रखी थी और भिगो के इसका पेस्ट बनाई। मिक्सी में इसका पेस्ट बना कर रखी हूँ। पोड़ ले दिया। यहाँ मैं डालूँगी 2 चम्मच ये ठंडाई मसाला और ये हिबिस्कस का जो जूस है मैं इसको निकाल कर रखी हूँ बॉइल करके। ये हिबिस्कस के जूस में यहाँ डालती हूँ और डालती हूँ अमूल दूध। फिर मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। ये बन गई मेरी हिबिस्कस ठंडाई। हिबिस्कस ठंडाई मैंने इसको यहाँ निकाल लेती हूँ एक ठंडाई। ये हिबिस्कस वाली
फोड़ लिया मोबाइल से, और बाकी जो मसला जो ठंडाई मसला है वो मैं फिर मिक्सी ग्राइंडर में डालती हूँ। और यहाँ डालती हूँ मैं बटरफ्लाई पी की जो जूस मैंने निकाल कर रखी थी ये डाल दी। फिर डालती हूँ अमूल दूध, और मिक्सी में ग्राइंड करती हूँ। जो मैंने ठंडाई की मसाला रेडी की थी उसमें मैं शुगर भी डाली हूँ पहले से ही। ये बन गई मेरी दो ठंडाई। फिर मैंने ये जो सेट करके रखी हूँ इसको निकाल लेती हूँ यहाँ। निकाल के इसका पीसेस कर लेती हूँ। थोड़ी देर और ठंड होना ज़रूरी था क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैं मुझे जल्दी काटना पड़ा। ठंड होने तक ये अच्छे से काट लेती हूँ। इसको मैं ऑयल पे फ्राई करूंगी। लक्सी ये काठमबड़ी की रेसिपी है, महाराष्ट्र की फेमस रेसिपी। मैं इसमें वो लोग बेसन से बनाती हैं, मैं इसमें बेसन के साथ अमूल पनीर ऐड करके एक नई ट्विस्ट डाल के बना रही हूँ। को कुरकुरे होने तक मैं फ्राई करूंगी।
कुरकुरे होने तक मैं फ्राई करूंगी अच्छे से। क्लिक हो गई नेकि ये रेडी हो गई काथिमबड़ी। कितना कुरकुरे हैं उसकी फ्राई की हूँ मैं कुरकुरे के साथ। अब मैं इसको प्लेटिंग करती हूँ। ये अमूल दही, उसके साथ ये हो गई मेरी काथिमबड़ी, जो महाराष्ट्र की फेमस रेसिपी है। मैं इसमें अमूल पनीर ऐड करके नई ट्विस्ट डाल के ये बनाई हूँ। ये हो गई। और ये हो गई मेरी दो ठंडाई, हिबिस्कस ठंडाई और बटरप्री ठंडाई, ये दोनों, ये तीनों मेरी डिशेस हैं। और लास्ट में सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली की रंगों की तरह सबके सबके जीवन में रंग समा जाए, इससे हम लाइफ एंड करते हैं। थैंक यू, ज्वाइन करने के लिए सबको बहुत सारे थैंक यू।